हेलो एवरीवन सो माय सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल मिस बोटनो फिलिक इन टूडेज वीडियो आई बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक मैंग्रोव्स तो आज हम लोग मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं छोटी से छोटी डिटेल हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे दैट मैंग्रोव्स को हम बोलते हैं लिटोरल फॉरेस्ट इको सिस्टम ओके तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक टाइप से जिसको हम कहते हैं लिटोरल फॉरेस्ट इको सिस्टम now let's start with the basic definition the reason that are found in the intertidal region where salt and freshwater intermixes it's called as mangrove The region where the intermixing occur can be either estuaries bay, creeks and lagoon. उस particular region को हम बोलते हैं mangrove, जहाँ पे fresh water और salt water आपस में mix होते हैं ठीक है अब ये जो मिक्स होने के रीजन है मतलब कौन कौन से reasons हैं जिनके बारे में हम लोगों ने नाम भी सुने होंगे ये वो reasons होते हैं जिनको कॉमनली हम मैंग्रोव्स बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो कुछ रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं इट कैन बी एश्य बे क्रीक्स एंड लगोन्स ठीक है तो इनका जो ओरिजिन है ना वो हुआ ही इस वजह से है कि ये दो टाइप की जो वाटर की कैटेगरीज है ये आपस में फ्यूज़ होती है उस रीजन पे मिक्स होती हैं और उस रीजन को हम कहते थे हैं इंटर टाइडल रीजन या फिर मैंग्रोव रीजन ओके और जिस इको सिस्टम पर मैंग्रोव रीजन पड़ता है उस रीजन को हम कहते हैं लिटोरल फॉरेस्ट इको सिस्टम अब हम देखते हैं प्लांट टाइप कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में यानी कि जिस टाइप के प्लांट्स मैंग्रोव्स वाले रीजन पे पाए जाते हैं वो क्या कैरेक्टरस्टिक्स शो करते हैं जो प्लांट्स देखे जाते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं हेलो वर्ड हैलो सॉल्ट के लिए आता है फाइट्स वर्ड प्लांट्स के लिए आता है ठीक है अब देखो उस रीजन पे सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनकी क्या कैपेबिलिटी होगी जो कि सॉल्ट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं सॉल्ट वाली कंडीशंस को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उनको हम कहते हैं हेलो फाइट्स ओके हेलो मतलब होता है सॉल्ट और फाइट्स मतलब होता है प्लांट अब हम इनके एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है देशो विविपैरिटी सीड जर्मिनेशन स्टार्ट ऑन ट्री बिफोर फॉलिंग आपने सुना होगा कि सीड का जब नॉर्मल जर्मिनेशन हम बोलते हैं वो कब होता है जब वो सीड्स क्या होता है सॉइल के कॉन्टेक्ट पे आता है बट आप यहां पे देख रहे हो कि जो कंडीशन है वो कैसी है वो सॉल्टी कंडीशन है यानी कि अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन है तो प्लांट्स कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाएंगे कि उनकी सीड्स क्या है वो जर्मिनेट होने से पहले उनकी डेथ ना हो जाए क्योंकि सीड्स अगर डायरेक्ट वो सॉल्टी कंडीशन के कॉन्टेक्ट पे आएंगी तो उसकी वजह से क्या है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसी है कि सीड्स की डेथ हो जाए तो उसके

तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एयर रूट होती है उसको हम बेसिकली न्यूमेटो एक वर्ड यूज़ करते हैं अभी मैं इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको एक्सप्लेन करूँगी बस एक वर्ड है न्यूमेटोफोर इसको आप ध्यान में रखो कि जो रूट्स होती हैं इसमें एक बहुत स्पेशलाइज रूट्स होती है जो कि ऊपर की तरफ ग्रो, ग्रो करती है यानी कि वो एंटी ग्रेविटी ग्रो करती हैं उन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर सो दे आर वर्टिकली कॉन्फिगर्ड अप फ्रॉम द मड प्रॉप रूट की अगर हम बात करेंगे नॉर्मल जो रूट्स होती है आपने देखा होगा कि वो अर्थ के नीचे जाती है मट को क्रॉस करते हुए तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि ये टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती है डाउन इन टू द वाटर तो इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट स्टिल रूट क्या होती है कि ट्रंक से निकलने वाली जो रूट्स होती है तो इनको बेसिकली हम एडवेंटिशस रूट्स ही बोलते हैं सो दे बेसिकली इमर्जेस फ्रॉम द मेन ट्रंक तो इनको हमने बोला एडवेंटिशियस रूट्स ओके तो ये तो था वहाँ के प्लांट्स में किस टाइप की रूट्स देखने को मिलती है अभी देखो मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना रखा है आपके लिए मैंने बोला कि जैसे ये नॉर्मल एक ट्री है इस ट्री में नीचे की तरफ जो ये रूट्स जा रही है ना मड की ये मड वाला पोर्शन है इसके नीचे जो ये रूट्स जा रही है इन रूट्स को हमने बोला कि ये है हम लोगों की प्रॉप रूट जो कि डाउन इन टू द वॉटर जा रही है ओके ये ऊपर की तरफ जो रूट्स निकल रही हैं लाइक दिस इस तरीके से जो रूट्स निकल रही है इन रूट्स को हम कहते हैं एयर रूट या फिर न्यूमेटोफोर ठीक है इन्हीं को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से भी कि क्यों न्यूमेटोफोर्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट बिकॉज ये रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके okay? अब आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं प्लांट्स होते हैं वो या तो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं लेंटिकल्स के थ्रू लेंटिकल्स स्टोमेटा से काफ़ी अलग होते हैं ये जस्ट छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है आपने अगर नॉर्मल प्लांट्स के बारे में सुना होगा तो हम पढ़ते हैं कि जो ट्रंक या फिर बार्क होती है उसमें हमें लेंटिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो गैशेज एक्सचेंज पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिमिलरली न्यूमेटोफोरस जो कि मैंग्रोव्स में एक इंपॉर्टेंट रूट देखी जाती है इनको हम रेस्पिरेटरी रूट इसलिए बोलते हैं बिकॉज द न्यूमेटोफोर कंटेन्स द लेंटिकल्स ओके और ये लेंटिकल्स हेल्प करती है रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के टाइम पर सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा तो अब हम लोग देखते हैं मैंग्रोव के टाइप्स के बारे में तो देखो मैंग्रोव के जो टाइप्स होते हैं ना उनका टाइप या उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू देअ प्रेजेंस कि धरती में किस जगह पे ये प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं और हम कहते हैं कि भाई मैंग्रोव के कुछ टाइप्स हैं कौन कौन से टाइप होते हैं रेड टाइप ब्लैक टाइप एंड वाइट टाइप ओके तो इतना याद करो एक तो ब्लैक एंड वाइट आपने सुना होगा और एक कलर होता है जिसको हम कहते हैं रेड तो ये तीन टाइप हमारे प्रेजेंट रहते हैं और ये सीरीज़ पे याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि इनडायरेक्टली कभी कभी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ पे पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देअर प्रेजेंस ओके अब देखो सबसे पहले जो रेड वाला पोर्शन है ना वो कोस्टल लाइन पे देखने को मिलता है ठीक है जो कोस्टल लाइन होती है ना वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है रेड मैंग्रोव की टाइप्स देखने को मिलती है सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो ब्लैक वाली कैटेगरी होती है जो कि प्रेजेंट होती है इन बिटवीन रेड टाइप मैंग्रोव एंड वाइट टाइप मैंग्रोव ठीक है तो व्हाइट मैंग्रूव और रेड मैंग्रोव के बीच में जो कैटेगरी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक मैंग्रूव और सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे जो मैंग्रूव प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं व्हाइट मैंग्रूव जो ब्लैक मैंग्रूव होती है इनकी कैपेबिलिटी होती है दैट हैव मोर एसेस टू द ऑक्सीजन देखा होगा कि ये कोस्टल लाइन से हम बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमारे पहाड़ प्रेजेंट रहते हैं तो ये वाला जो रीजन है ना ये कोस्ट लाइन के अगल बगल यहाँ पे कोई कोस्ट है इसके अगल बगल ये जो रीजन है इसको हमने कोस्टल लाइन बोला इस टाइप के रीजन में हमें रेड मैंग्रोव देखने को मिलेंगे ये हाईएस्ट एलिवेशन वाली यानी कि ऊपर ऊंचाई वाली साइड पे हमको व्हाइट मैग्रोव देखने को मिलेंगे और इनके बीच का जो रीजन है ना यहाँ पे हमको बेसिकली ब्लैक मैंग्रोव देखने को मिलते हैं तो ये चीज़ सीरीज़ में याद करना जिसको हम कहते हैं आर बी डब्ल्यू ओके आर बी डब्ल्यू तो आर बी डब्ल्यू माने रेड मैंग्रोव ब्लैक मैंग्रोव और वाइट मैंग्रोव ओके तो जो सी शोर से लेके लैंड का तक का सीक्वेंस होता है वो किस सीक्वेंस पे चलता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव पर्पज सो इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि सबसे पहले सी शोर वाली साइड पे हमारे पास रेड मैंग्रोव आते हैं और जो लैंड की सीक्वेंस इस तरीके से जब हम ऊपर की तरफ हाई एल्ट की तरफ बढ़ते हैं ना तो फिर हमारा ब्लैक मैंग्रोव के टाइप्स आते हैं एंड देन वी हैव द वाइट मैंग्रोव टाइप्स तो इस तरीके से सीरीज पे चलते हैं दैट वी हैव द रेड ब्लैक एंड

ओके okay? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के लिए टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो नो no डाउट आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स के साथ ओके okay? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंसिस के बारे में देखो सबसे पहले जो इसकी इम्पॉर्टेंस होती है इट प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम सुनामी सॉइल इरोशन एज दे हैव कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम रूट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि भाई एयर रूट भी होती है प्रॉप रूट भी होती है स्टिल्ट रूट भी होती है जो रूट सिस्टम है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोस्टल एरियाज़ पे सुनामी से प्रोटेक्ट करता है साथ ही साथ जो सॉइल का इरोजन होता है इरोजन क्या होता है जब अपर तरीके से यानी कि ऊपरी जो हमारी परत होती है ना सॉइल की उसमें से जब उसका लॉस होने लगता है तो उसको हम इरोजन बोलते हैं ओके okay? अब अगली चीज़ यहाँ पे आ जाती है ब्रीडिंग साइड ऑफ वेरियस फोना अब फोना वर्ड जब हम बोल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ़ द कॉमन एग्जाम्पल हमारे फिशेज ही होते हैं इसके अलावा फ्रॉग्स भी हो सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स uh, होते हैं जो कि हमको इस पर्टिकुलर रीजन पे देखने को मिलते हैं तो दो वर्ड आता है फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज करते हैं फोना हम लोग एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं आफ्टर दिस वी हैव कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सो इट ऑलवेज एक्ट एज अ कार्बन सिंक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कार्बन को स्टोर करके रखते हैं ठीक है अब ये जो स्टोरेज हम कार्बन का कर रहे हैं ना वो बेसिकली यहाँ पे कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स होते हैं कोई भी चीज़ बर्न होकर अगर कार्बन देती है तो उसको कार्बन सोर्स बोलते हैं और कोई भी चीज़ अगर कार्बन को स्टोर कर रही है तो उसको हम कार्बन सिंक बोलते हैं तो यहाँ पे जो मैंग्रोव्स होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं तो कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं एज अ बायोमास ओके तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं और इनडायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ओके फोर्थ इंपॉर्टेंस इसकी हम देख लेते हैं भाई इट्स अ इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर वेरियस पर्पस बहुत सारे पर्पस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है चाहे वो कलेक्शन ऑफ हनी हो टेनज हो एंड वैक्सेस हो ठीक है वो इन फिशेस को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड ओके तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस होती है अब हम लोग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे जो मैंने फैमिलीज़ लिखी ना इसके आगे मैंने वन डिग्री लिखा है इसका मतलब होता है प्राइमरी फैमिलीज़ यानी कि ये वो फैमिलीज़ होती है इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग बॉटनिकल फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं बट ये कुछ ऐसी फैमिलीज़ है जो कि मोस्ट कॉमन और प्राइमरली आपको मैंग्रूवस पे देखने को मिल जाएंगी तो इससे पहले कि मैं फैमिलीज़ के नेम आपको दिखाऊं मैं ट्रिक मैंने यहाँ पे बना रखी है जिससे आप ये नेम याद कर सकते हो कम एकड़ राइजो लाई डाउन ओके तो यहाँ पे ना एकड़ वर्ड सुना होगा आपने बहुत छोटे से एकड़ की जमीन है बोलते हैं ना एकड़ एक वर्ड होता है जिससे हम जमीन को नापते हैं ओके okay, तो यहाँ पे राइजो वर्ड दिखता है जिसको राइजो नहीं समझ आता है राइनो वर्ड से याद कर लो ओके okay? तो जस्ट एक सिंपल सी ट्रिक है कम एकड़ राइजो लाई डाउन जस्ट एक ट्रिक है आप कैसे याद करना है भाई यहाँ पे जो कम वर्ड है उससे हम याद करेंगे कॉम्ब रिटम ओके कॉम्बरीटम वर्ड को यहाँ पे याद करें एकड़ वर्ड से एसी जो है वो अकेथेसी वर्ड के लिए है एंड एक कड़ का जो ए आर वर्ड है इससे हम याद करेंगे एरिकेसी, ओके इससे वर्ड क्या आता है एरिकेसी आता है राइजो या राइनो वर्ड जो सही लगता है बट यहां पे राइजो फोरेसी फैमली दैट्स वाई देयर राइजो अब लाइव वर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइथ रेसी, ओके तो एक बार फिर हम यहाँ पे ट्रिक के साथ चलते हैं दैट इज एंड ओके अब एक एक देख लेते हैं तो के अंदर जो कुछ एग्जाम्पल मुझे यहां पे मिला है वी हैव एवसेनिया मेरीना राइजोफोरेसी के अंदर जो एग्जाम्पल आता है उसको हम कहते हैं राइजोफोरा मैंगला ये बहुत कॉमन सा प्लांट है जो कि ऑलमोस्ट मैंग्रोव रीजन पे देखने को मिलता है देन वी हैव द सोनेरेटिया तो सोनेरेटिया जो है वो लाइथरे फैमिली को बिलोंग करता है तो ये कुछ ऐसी टू इंपॉर्टेंट फैमिलीज है जो कि आपको देखने को मिलेगी मैंग्रोव रीजन पे नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैंग्रोव रीजन विच आर फाउंड इन इंडिया इंडिया के कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट मैंग्रोव रीजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक यहाँ पे प्रिपेयर करी है तो ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको डिफिकल्टी होती है नाम याद रखने की अगर आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप नहीं मेमोराइज कर पा रहे हो तो इन ट्रिक्स को आप लोग एग्जाम टाइम पे यहाँ पे यूज कर सकते हो ठीक है सुंदर महारानी रत्ना कृष्णा गोदावरी ओके तो आर के जी वर्ड से याद कर सकते हो ना सुंदर महारानी रत्ना कृष्णा गोदावरी तीनों के तीनों कहाँ पहुँच गए गोवा पहुँच गए घूमने के लिए ओके तो महारानियाँ हैं तो ऑब्वियसली बात तो सुंदर तो होंगी महारानियों का नाम कैसे सीरीज में याद रखें रत्ना कृष्णा गोदावरी ओके तो आप आर के जी वर्ड याद कर सकते हो ना तो सुंदर महारानी रत्ना कृष्णा गोदावरी गोवा पहुंचे अब हम देख लेते हैं इनके नाम कैसे याद करने हैं सबसे पहला जो सुंदर वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंड फॉर द सुंदर बन ओके बहुत कॉमन सा है वेस्ट बंगाल पे देखने को मिलता है और ये फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा मैंग्रूव है ऑफ इंडिया तो सुंदर स्टैंड फॉर सुंदर महारानी से आप क्या याद रखोगे महानदी तो इनके आगे, आगे आप ग्रूफ्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैंग्रोव वर्ड यूज़ करते हो तो फर्स्ट सुंदर स्टैंड फॉर द सुंदर बन एंड महारानी स्टैंड फॉर द महानदी रत्ना स्टैंड फॉर रत्नागिरी कृष्णा गोदावरी एक ही नाम है तो आप इसको कृष्णा गोदावरी ग्रूफ लिख सकते हो गोवा इज़ गोवा एंड पहुंचे वर्ड से वी हैव द पिचावरम ये जो पिचावरम है ना ये तमिलनाडु में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट हमारा मैंग्रोव है ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट और जो सेकेंड लार्जेस्ट है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग स्टडी करके जाइए तो ग्रूव्स की जब हम बात करते हैं तो सुंदरबन महानदी रत्नागिरी कृष्णा गोदावरी गोवा एंड पिचावरम ओके तो यही सब आता है मैंग्रूव्स के अंदर सो so, अगर आपका एग्जाम में मैंग्रोव्स को एक्सप्लेन करने के लिए आता है उसकी इम्पोर्टेंसेस आती है टाइप्स आती है कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं कि आप उस चीज़ को अटैम्प्ट कर पाओगे इसके अलावा वीडियो में कोई भी डाउट फील हुआ है या कोई और टॉपिक है जिसमें आप लोगों को डाउट फेस होता है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं जो मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाई थी डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करेगी अगर आप लोग चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख पाते हो एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ उससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूँ अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें मैं अपनी तरफ से हमेशा आप लोग की हेल्प करती हूँ जहां भी आपको नोट्स की की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक होता है उसको मैं ईजी वे पर यहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की भी बनती है कि आप चैनल को शेयर करें जो भी टॉपिक्स अगर अब आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ उन टॉपिक्स को शेयर करें ताकि ईजी मैनर पर वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू